मिसिंग इन एक्शन क्यों ऐसा लग रहा है इस बार है? उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो टूट हुई है वो शिवसेना के अपने घर में हुई है, और आपको लिए इसके परसों शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ शब्द याद करने होंगे कि ये शिवसेना का आंतरिक मसला है। पॉइंट नंबर दो, मैं तभी इंटरवेंशन करूंगा जब उद्धव ठाकरे मुझे निर्देश देंगे कि आगे क्या करना है। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह लिया था आपका मसला है, आप देख लीजिए। और रही बात जब पिछली बार सरकार फडणवीस ने बनाई थी अजीत पवार के साथ मिलकर, तब जो टूट थी वो एनसीपी के अपने घर में थी, जहां शरद पवार का वर्चस्व था, उनके कहने पर उनके विधायक उनके साथ आ खड़े हुए, उनके पार्टी के नेता आ खड़े हुए। लेकिन इस बार शिवसेना के विधायक टूटे हैं, एक काडर बेस्ड पार्टी संगठन में जो एक अलग इमोशंस पर चलती है उसका टूट, और उसकी टूट के साथ साथ शरद पवार को यह अंदाजा हो गया था कि आप किसको मनाने जाएंगे। अगर उद्धव ठाकरे अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं रख सके, उनकी सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी बगावत हो गई और उन्हें नहीं पता चला, तो शरद पवार मनाने किसको जाएंगे। और इसीलिए जो बैठक देखिए 11 बजे हमें यह लगभग पता था कि 11 बजे यहां पर बैठक होगी, फिलहाल दिलीप वलसे पाटिल और दूसरे जो नेता है वो शरद पवार के घर पहुंचे हैं, वहां कुछ मंथन करेंगे, उस मंथन के बाद यहां आकर के बात करेंगे। कई सारे एनसीपी के विधायक दबी जबान में, अभी तक आपको बताऊं दबी जबान में ही सिर्फ ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है, कि 2.5 साल तो उनके अपने पूरे हो गए और अब उन्हें लग रहा है कि वापस एनसीपी का सीएम बनाना पड़ेगा तो करें क्या। बहुत सारे कयास हैं, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। ऐसे में शरद पवार को एक तो अपने नेतृत्व को भी दिखाना है महाराष्ट्र में, अपने विधायकों पर भी होल्ड बनाए रखना है, पार्टी को भी चलाए रखना है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शिवसेना टूट जाती है, सरकार गिर जाती है, तो उनके पास आगे ऑप्शन क्या है, उनकी राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वर्चस्व कहां रह जाएगा, वो तो विपक्ष में आके खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज जो मंथन है बेहद महत्वपूर्ण होगी एनसीपी के खेमे में। अंजना, दिल्ली में उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष में बैठना होगा तो विपक्ष में बैठेंगे। आनंद दुबे जी, ये तमाम पार्टियां आज सवाल कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी बगावत, आपके इतने सारे विधायक, अब तो कुनबा कल से फिर बढ़ गया सर, रोज आपके साथ लाइव पर बैठती हूं और आंकड़ा कुछ और 5-7 बढ़ जाता है, और पता ही नहीं चला उद्धव ठाकरे को, ये कैसे नेता साबित हुए? नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। देखिए ऐसा है कि विधायक, सांसद, नगर सेवक ये जनप्रतिनिधि होते हैं और पार्टी का अपना एक स्वयं उसका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसका एक संविधान होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारी जो पार्टी है वो शुरू से गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख चलाते आए, तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेता भागते हैं, बड़े बड़े विधायक भागते हैं, सांसद भागते हैं, पार्टी कहीं नहीं भागती, इससे भी बड़े बड़े झटके हमने देखे हैं। तो पार्टी पूरी तरह मजबूत है। कल 3 घंटा लग गया उद्धव जी को वर्षा से, एक मिनट बता रहा हूं, समझे नहीं सवाल ही नहीं समझे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि क्या पहली बार शिवसेना ठाकरे परिवार के हाथ से फिसल रही है? पार्टी तो रहेगी, दो तिहाई बहुमत अगर है तो मैं वही समझा रहा सदन में नेता बनने का दावा ठोक देंगे अब एक नहीं, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि विधायक गए हैं, सांसद गए हैं, नगर सेवक चले जाएं, पार्टी कहीं नहीं जाती। कल 2-2.5 घंटे लगते हैं 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वर्षा से मातोश्री की दूरी ज्यादा से ज्यादा 12-15 किलोमीटर है, लेकिन इतना समय लगता है। लोगों का प्रेम देखिए, लोग फूल बरसा रहे हैं, लोग झंडा लेकर खड़े हैं, लोग बारिश में भीग रहे हैं। कितना टाइम लगा था सर, कितना टाइम? घंटों लगे थे उनको पहुंचने में। सर क्या बात कर रहे हैं, मैं 9 बजे का बुलेटिन कर रही थी उसके बाद वो निकले हैं और 10:30-11 होते होते पहुंच गए थे। अरे तो वही कह रहा हूँ कि 15 किलोमीटर को कितना समय लगता है पहुंचने में? बढ़ाइए मत, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौना घंटा, लेकिन लगा कितना, करीब करीब 1.25 घंटा, आप ही बता रही हैं। तो देखिए अंजना जी, विषय क्या है कि कल उद्धव जी ने जो एक भावनात्मक अपील की वो देश की जनता ने सुना और देखा कि जब कुल्हाड़ी पेड़ पर प्रहार करती है और पेड़ को पीड़ा पहुंचती है तो उस कुल्हाड़ी के प्रति उसकी भावना कुछ नहीं होती, क्योंकि वो तो कुल्हाड़ी है, वो तो काटेगी, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी हुई है वो मेरे ही पेड़ की तोड़ी हुई टहनी से बनी हुई है। प्रभु, लेकिन इतनी सारी कुल्हाड़ियां हो गई फिर तो, इतनी सारी कुल्हाड़ियां हो गई।